lie, I'm the last one to die. नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं महिंद्रा यूवो टेक 575 डीए ट्रैक्टर की एक रिव्यू वीडियो लेके आया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 47 HP की कैटेगरी का सबसे बेस्ट ट्रैक्टर आपको मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ, और महिंद्रा की सबसे कामयाब सीरीज यूवो सीरीज का ये ट्रैक्टर रहने वाला है। लुकिंग की बात करें तो बिल्कुल मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, काफ़ी शानदार इसमें आपको एरोडायनेमिक लुक्स मिल रहे हैं। ग्राफिक्स भी ट्रैक्टर पर काफ़ी शानदार करे हुए हैं कंपनी की तरफ से, स्टीकर वगैरह काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। फ्रंट में आपको हैवी लोड बम्पर आपको कंपनी अच्छा एक वेट प्रोवाइड करवा के दे रही है। जो इसकी लाइट्स है वो भी आपको काफ़ी शानदार हैलोजन टाइप्स की लाइट्स मिलने वाली है, जो बोनेट के अंदर वाले ही साइड रहेगी। बोनेट का अगर डिज़ाइन देखें तो आपको काफ़ी सिल्वर फिनिश के साथ आपको बोनेट में डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। अब बाकी इस ट्रैक्टर की आपको महिंद्रा में फ्रंट में साइड में आपको क्रोम फिनिश की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और बाकी आप देखिए तो इस ये ट्रैक्टर में खासियत ये है, आपको 4 सिलेंडर पावर के साथ देखने को मिलेगा। अगर इसी हॉर्स पावर पावर के अंदर 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की पावर के अंदर देखिए बाकी कंपनी में महिंद्रा में छोड़ के, तो आपको 50 हॉर्स पावर की कैटेगरी के अंदर 4 सिलेंडर पावर नहीं 3 सिलेंडर पावर मिलती है। तो ये है इस महिंद्रा के ट्रैक्टर की खासियत बात, ये 3 सिलेंडर पावर के साथ नहीं 4 सिलेंडर पावर के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। बोसेज कंपनी के सेक्टर में इनलाइन पंप देखने को मिलेगा। टायर की बात करें सेक्टर में फ्रंट टायर का साइज आपको 6/16 और 7/50/16 का देखने को मिलने वाला है, आप अपनी सुविधा के अनुसार से ले पाएंगे। ट्रैक्टर में आपको 2000 इंजन रेटेड RPM डीजी सेंस टेक्नोलॉजी साथ में देखने को मिलेगी। कूलिंग सिस्टम पैरलेट कूलेंट कोल्ड कूलिंग सिस्टम है, एयर फिल्टर ड्राई टाइप का एयर फिल्टर मिलने वाला है। 43.1 HP की PTA पावर सिंगल डीजल फिल्टर रहने वाला है। टॉर्क पावर इस ट्रैक्टर में 192 Nm की टॉर्क पावर, 192 Nm की टॉर्क पावर जो कि बोसेज कंपनी का इनलाइन पंप के साथ रहने वाला है। सिंगल डीजल फिल्टर, स्ट्रेट मजबूत एक्सल, ड्यूल एक्टिव पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर आप देख लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट एक्सल मिलने वाला है। ड्यूल एक्टिव पावर स्टीयरिंग इसमें आपको देखने को मिलेगा, ड्यूल क्लच का आपको। डीजी सेंस टेक्नोलॉजी का मतलब है ये ट्रैक्टर में आपको फुली आपके फोन के अंदर कंट्रोल रहेगा, कितना इसमें आपको फ्यूल डाला है सब इन्फॉर्मेशन, कौन सा इंप्लीमेंट में कितनी एवरेज दे रहा है, एवरेज वगैरह के बारे में सब फुली ये आपको ऑटोमेटिक टेक्निक्स है जो कि आपको अपने फोन की ऐप में देखने को मिलेगा। ड्यूल क्लच का आप देख सकते हैं, 6 साल की सेक्टर में वारंटी मिलने वाली है जो कि महिंद्रा और स्वराज के अलावा अभी तक कोई नहीं कंपनी नहीं दे रही। लोहे का टूल बॉक्स यहाँ पे इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस सेक्टर की जो मडगार्ड के शो की बात करें, काफ़ी शानदार इसके मडगार्ड के आपको लुक्स देखने को मिलने वाले हैं, देख लीजिए काफ़ी शानदार मेटेलिक ट्रैक्टर में पेंट रहेगा शाइनिंग। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की खासियत की, इस ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है फुली प्लान प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। 6 फुट मेरी हाइट है, तो अगर आप लंबे टाइम तक खेती करने वाले तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, कोई आपको दिक्कत नहीं रहने वाली। छोटा सा स्टेयरिंग महिंद्रा की बैचिंग के साथ एरोडायनेमिक लुक्स मिलेंगे। और ड्राइविंग व्यू की बात करें ये देख लीजिए, काफ़ी शानदार ड्राइविंग व्यू आपको देखने को मिलेगा। मुझे ट्रैक्टर में सबसे इसका अच्छा लगा प्लेटफॉर्म, इस ट्रैक्टर का बल्की लुक। ट्रैक्टर में आप बैठते हो तो अलग ही आपको एक इसमें फील आने वाली है। और ट्रैक्टर में ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी शानदार है, 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर मिलेंगे, फुली कॉन्स्टेंट मैच गियरबॉक्स के साथ। ड्यूल क्लच ट्रैक्टर रहने वाला है। फॉरवर्ड की स्पीड की बात करें 32.14 km/h की फॉरवर्ड की स्पीड रहने वाली है, रिवर्स स्पीड 11.15 km/h की रिवर्स स्पीड देखने को मिलेगी। ब्रेकिंग सिस्टम ऑयल इमर्स ब्रेक ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा, इस साइड आपको गियर्स मिल जाएंगे। ट्रैक्टर में आपको हाई लो मीडियम का भी ऑप्शन रहेगा, PCDC लीवर, और नीचे की तरफ देखें तो आपको एक स्टाइलिश हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा अलग से आपको लुक्स के साथ। ट्रैक्टर में आपको हाई लो मीडियम का ऑप्शन रहने वाला है, PTO का आपको लीवर अलग से देखने को मिल जाएगा। ड्यूल क्लच ट्रैक्टर है, पावर स्टीयरिंग सिंगल ड्रॉप आर्म के साथ, और 6 स्पैन की PTO रहेगी, 540 चक्कर जो जनरेट करने कर पाएगी। और ट्रैक्टर की खास बात ये मुझे लगता है आरामदायक काफ़ी है, पावर अच्छी है, ट्रैक्टर में आपको फीलिंग भी अच्छी आने वाली है, बल्कि लुक देखने को मिलेगा। आफ्टर मार्केट सेल भी अच्छी है ट्रैक्टर की। माइलेज तो आपको मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, महिंद्रा के ट्रैक्टर की माइलेज इस कैटेगरी के अंदर कोई भी कैटेगरी का ट्रैक्टर ले लीजिए, 50, 45, 42 ट्रैक्टर में आपको सबसे ज़्यादा माइलेज महिंद्रा के ट्रैक्टरों में देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी सिलेंडर पावर कंपनी इनकी सिलेंडर पावर की श्रेणी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। पीछे वाले टायर की साइज़ की बात करें 14/28 का इसमें पीछे वाला टायर का है, 16/28 का भी आपको ऑप्शन रहता है, पर वो कोई डलवाता नहीं, ट्रैक्टर लोड ज़्यादा बांधता है। एडजस्टेबल आपको कंपनी फिटेड मजबूत हुक देखने को मिलेगा, डबल डिस्ट्रीब्यूटर रिफ्लेक्टर बोतल होल्डर आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा, जो अब इसकी पैलेनेटरी एक्सल आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार मजबूत एक्सल देखने को मिलेंगे। लिंकेज इसकी आप देखें तो काफ़ी शानदार मजबूत ट्रैक्टर में लिंक्स मिलने वाली है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात करें 1700 से लेके 1900 kg के अंदर तो ट्रैक्टर बिल्कुल लोड नहीं मानने वाला, और इससे ऊपर भी आपको वेट आराम से उठा लेगा। 50 HP की श्रेणी का सबसे बेस्ट ट्रैक्टर आपको 575 यूवो सीरीज का देखने को मिलेगा। इसमें आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर डबल सेंसिंग पावर आप अपने इंप्लीमेंट लगा के खेत जो सकते हैं, जैसे इस पर आपका आजकल के एडवांस टाइप के इंप्लीमेंट लेजर हैरो वगैरह मिनी JCB भी आप इस ट्रैक्टर पर लगा सकते हैं। बोतल होल्डर ट्रैक्टर में SFC प्लेट जिस पर आपको सारी जानकारी ट्रैक्टर क्या मैन्युफैक्चर है PTO हॉर्स पावर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये जो ट्रैक्टर का हिस्सा है ये काफ़ी शानदार आपको इसमें मजबूत इसमें आपको
मजबूती भी आपको देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी पीछे रहने वाला है। हाइड्रोलिक इसमें आपको लिंकेज मिलेंगे, डबल सेंसिंग पावर जिसमें आप अपने इंप्लीमेंट लगा के अपनी जमीन की मिट्टी के अनुसार से आपको अपने इंप्लीमेंट सेट कर पाएंगे। पीछे की तरफ आपको एक छोटी लाइट मिल जाएगी जिसको आपको काफ़ी रात के समय काफ़ी काम आने वाली है। अब इसका जो मेरे को सबसे प्यारा है, इसका लुक्स और इसके मडगार्ड्स के लुक काफ़ी शानदार है। 6 साल की वारंटी मिलने वाली है जो कि कोई ट्रैक्टर कंपनी नहीं देती, महिंद्रा और स्वराज को छोड़ के बाकी कंपनियाँ 5 साल तक रह जाती है, पर महिंद्रा आपको 6 साल की देती है। बहुत कामयाब सीरीज़ है, यूवो सीरीज़ काफ़ी चलने वाली सीरीज़ है। ट्रैक्टर में आपको बैटरी बॉक्स आपको अच्छे बैटरी प्रोटेक्शन के कवर के साथ, ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है। ट्रैक्टर का प्रीमियम खेती करने वाले के लिए सबसे बेस्ट ट्रैक्टर रहने वाला है। प्रीमियम का लुक और ट्रैक्टर की वैल्यू भी अच्छी है, इस श्रेणी में सबसे बेस्ट ट्रैक्टर भी है। मजबूती भी काफ़ी ट्रैक्टर की अच्छी है, आफ्टर मार्केट भी अच्छा है, ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम है, यही ट्रैक्टर में मेन चीज़ रहती है। और पावर बैकअप माइलेज के साथ साथ ट्रैक्टर में पावर भी आपको अच्छी मिलने वाली है। 47 HP और 4 सिलेंडर पावर के साथ इसमें आपको 192 Nm का टॉर्क पावर देखने को मिलेगा और ट्रैक्टर की माइलेज भी काफ़ी अच्छी रहने वाली। इस श्रेणी का मैं इस ट्रैक्टर को सबसे बेस्ट ट्रैक्टर मानता हूं। और इस ट्रैक्टर में खास बात यह है, आपको डिजी सेंस टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसमें आपको ट्रैक्टर की सभी GPS लोकेशन, ट्रैक्टर के मतलब ट्रैक्टर ने एवरेज कितनी दी, सभी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ट्रैक्टर कुल मिला के बहुत शानदार है। आप जिस किसान भाई के पास है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ट्रैक्टर कैसा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।